भाई लोगों, ये राइट में देख रहे हो, ये रोड जा रही है दिल्ली को, हम पीछे से आए हैं मनाली से और अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे, हम जा रहे हैं मणिकरण और कसोल। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और अब एक और नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ का, मणिकरण के लिए। ठीक है जी, तो कुल्लू मनाली हाईवे से हटते ही, जैसे ही इस हाईवे पे मुड़े हैं, कुल्लू वैली कह लो उसे या फिर मेरे ख्याल से पार्वती वैली, जैसे ही इधर को मुड़े हैं भाई साहब, मुड़ते ही चीजें बदल गई हैं थोड़ी सी। मनाली कुल्लू हाईवे पे थे तो बहुत तगड़ा वाला डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था, बहुत सारी चीजें एकदम अलग से हो गई थी वहां पे, लेकिन इस रोड पे जैसे ही आए ना, यहाँ अभी भी चीजें पहले जैसी ही हैं ज्यादातर। ये देख के अभी भी लग रहा है कि हाँ वाकई में अब हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, जैसे कभी मनाली वाले रोड हुआ करते थे ना, वो वैसी वाली पुराने टाइम की फीलिंग है यहाँ पे। मैं तो खैर पहली बार जा रहा हूँ पर यहाँ जाके मेरे को अच्छा लग रहा है। ये मणिकरण वाली जो रोड है, मैं इसमें पहले कभी नहीं गया तो आज मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे जाके। दो दिन से मनाली भी थे, आगे भी गए, वहाँ इतना अच्छा नहीं लगा जितना यहाँ पे, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि उतनी ज्यादा डेवलपमेंट वाला सीन नहीं है कि जगह जगह घर बना रखे हैं, जगह जगह तोड़ रखा है। भाई प्रॉपर देखो ना, अपने आसपास पेड़ ही पेड़ है, बिल्कुल एकदम हरियाली हरियाली। भाई साहब यहाँ पे तो बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल वाली वाइब है, पतला सा रोड एक दूसरे को बचाते हुए, जैसे किन्नौर वाली साइड में है ना, वो वाला सा सीन है कुछ। पर बढ़िया है यार, यहाँ लग भी रहा है ना कि तुम पहाड़ों पे जा रहे हो घूमने। भाई मैं तो तब से ना ओल्ड स्कूल बोल रहा था, पर ये तो कुछ ज्यादा ही ओल्ड स्कूल हो गया, जाम भी लग गया तगड़ा वाला। ध्यान रखिए इधर, छोटा छोटा बच्चा है। थोड़ा सा और एक लेन साइड हो गया ना, पता नहीं अभी तो अगर आगे खुला हुआ होगा थोड़ा सा तो बढ़िया है। उधर ना छोटा बच्चा, ध्यान रखिए छोटा सा बच्चा जा रहा है। इलाके में जा रहे हो, गांव गुम के टाइप के इलाके में, रोडों की कंडीशन तो थोड़ी सी बस ऐसे ऐसी है, 30-40% बने हैं, बाकी सब टूटे हैं और सकरे रोड बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नैरो है। बस सामने से आ जाती है तो गाड़ियां तो पीछे करो, या
काफी काफी देर साइड में खड़े रहो। पर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उसके हिसाब से मतलब बोरियत नहीं हो रही है। हाँ पर ग्रीनरी बहुत है भाई, बहुत ग्रीनरी, मतलब ऐसे नहीं है, सब सूखा सूखा पड़ा है तो अच्छा लग रहा है। मतलब भाई साहब बज चुके हैं 7 और हम पहुंचने वाले हैं कसोल। 4 किलोमीटर रह गए पर अंधेरा हो गया है, और अंधेरा थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर यार बढ़िया है, मेरा मतलब अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, पहली बार आ रहा हूँ मैं इधर, और कसोल अच्छा लगा भाई, मतलब कसोल मीन्स अभी तक के रोड अच्छे लगे, और वहां जाके पता चलेगा क्या कुछ है और आगे। 7 तो बज गए हैं, देखो मेरे ख्याल से 10-12-15 मिनट में मैक्स टू मैक्स पहुंच जाएंगे भाई। लोगों कसोल गए हैं पहुंच, और मणिकरण जाएंगे कल सुबह, रात हो गई, ज्यादा मीन्स क्या अंधेरा हो गया रोड पे, तो दिन में ही दर्शन करने जाएंगे। अभी फिलहाल देखते हैं, अगर यहीं की पार्किंग और होटल वगैरह मिल जाता है तो यहीं कहीं स्टे करेंगे फिर, अभी तो भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पर गुड मॉर्निंग भाई लोग, अभी तो यहाँ पर थे कसोल, और रात को थोड़ा लेट हो गए, 8 बजे तक रूम मिला, और ऐसे थके हुए थे कि उस लेट से ही सो गए। आज थोड़ा टाइम भी था हमारे पास, आज पहली बार इतना लेट तक सो के उठे हैं, 9 बज गए, 9:30 हो गए। अभी जा रहे हैं मणिकरण साहिब, यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा आराम से उठ गए, मैंने कहा थोड़ा आज नींद भी पूरी हो जाए, रिलैक्स हो जाए थोड़े से। भाई पहुंच गए हैं मणिकरण साहिब, नीचे गाड़ी लगा दी है ऊपर और नीचे जा रहे हैं। भाई बंदे पंजाब से स्कूटर पे आए हैं।